खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। डीएम पुलकित खरे के निर्देश पर काफी लंबे अरसे के बाद जनपद में राइफल क्लब के द्वारा ट्रैप शूटिंग का आयोजन किया जाना है। इसमें राइफल क्लब के सभी सदस्य प्रतिभाग करेंगे, जिसको लेकर आज सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार, सीईओ सिटी विजय कुमार राणा ने चांदमरी पहुंचकर वहां पर शूटिंग को लेकर हर बिंदु पर बारीकी से निरीक्षण किया, जिस दौरान उनके साथ काफी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अभी हम चांदमरी शूटिंग रेंज में खड़े हैं। कल राइफल क्लब की मीटिंग डीएम साहब के द्वारा ली गई थी, जिसमें सभी सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था कि जो भी हमारा टेंटेटिव डेट रखी गई है शूटिंग की प्रतियोगिता के लिए, वो 23-24 नवंबर रखी गई है। उसके मद्देनज़र कुछ सदस्यों के द्वारा और हमारे, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, हमारे सीईओ सिटी हमारे साथ में है, तो एक संयुक्त रूप से एक निरीक्षण इस रेंज का कर लिया जाए। उसी निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि किस डायरेक्शन में हमें ट्रैप शूटिंग करनी है, किस डायरेक्शन में 10 मीटर की पिस्टल की शूटिंग करनी है, उस तरीके से और क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर, बाउंड्री की समस्या है या जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको साकार करने के लिए यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मद्देनज़र आज मीटिंग किया जा रहा है, तो उसी की रिपोर्ट एक बना के प्रस्तुत की जाएगी, फिर कार्रवाई की जाएगी उसी के हिसाब से। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।